तो मैं अपना परिचय कुछ यूं देना चाहता हूँ। टूट कर बिखरना, बिखर कर एक हो जाना, इतना आसान नहीं है विवेक हो जाना। कविता सुनिएगा कि बंद मकान में होती है घुटन, उसमें कुछ खिड़कियां रहने दो, लड़कियों को देवी मत बनाओ, उन्हें बस लड़कियां रहने दो। बहुत शुक्रिया। अगला मिसरा सुनिएगा कि उनके परों को खुलने दो, उनके परों को खुलने दो, हौसलों के दरमियां रहने दो, उनके परों को खुलने दो, हौसलों के दरमियां रहने दो, लड़कियों को देवी मत बनाओ, उन्हें बस लड़कियां रहने दो। लड़कियों को देवी मत बनाओ, उन्हें बस लड़कियां रहने दो। पहला वन सुनिएगा कि क्यों की जाती है त्याग की उम्मीद हमेशा उनसे, क्यों की जाती है त्याग की उम्मीद हमेशा उनसे, क्यों छीनी जाती है उनकी नींद हमेशा उनसे। अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां चाहिए कि गुड्डे गुड़ियों वाले खिलौने उनके हाथों में कौन रखते हैं, उन्हें समझाओ कोई, वो आधे हिंदुस्तान को मौन रखते हैं। उन्हें समझाओ कोई, वो आधे हिंदुस्तान को मौन रखते हैं। और अगला मिश्रा सुनिएगा कि बाग में बस फूल काफी नहीं, बाग में बस फूल काफी नहीं, उसमें कुछ तितलियां रहने दो, लड़कियों को देवी मत बनाओ, उन्हें बस लड़कियां रहने दो। अगला बंद सुनिएगा कि आजादी सबको प्यारी है, आजादी सबको प्यारी है, ये मांग नहीं ये अधिकार है, आजादी सबको प्यारी है, ये मांग नहीं अधिकार है, इससे ज्यादा की चाह नहीं, इससे कम ना स्वीकार है, इससे ज्यादा की चाह नहीं, इससे कम ना स्वीकार है। और अगले दो मिसरे पर आपकी फिर तालियां चाहिए कि वो ये नहीं चाहती कि उनकी खातिर महाभारत सा यलगार हो, वो ये नहीं चाहती कि महाभारत सा उनकी खातिर यलगार हो, लेकिन उनकी बोली लगाने का किसी दुष्टर को ना अधिकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनकी बोली लगाने का किसी दुष्टर को ना अधिकार हो। और अगला मिश्रा सुनिएगा कि हर बात पर सवाल जरूरी नहीं, हर बात पर सवाल जरूरी नहीं, उनकी भी कुछ मर्जियां रहने दो, लड़कियों को देवी मत बनाओ, उन्हें बस लड़कियां रहने दो, लड़कियों को देवी मत बनाओ, उन्हें बस लड़कियां रहने दो। और आखिरी बंद जो अभी लिखा था सुनिएगा कि नारी को याचना नहीं अधिकार सिखाओ, नारी को याचना नहीं अधिकार सिखाओ, शिक्षा को उनका हथियार सिखाओ, फर्श से अर्श तक, अर्श मतलब आसमां, फर्श मतलब जमीन, फर्श से अर्श तक के उनको ख्वाब थमाओ, फर्श से अर्श तक के उनको ख्वाब थमाओ, श्रृंगार थमाने से पहले उनको किताब थमाओ, श्रृंगार थमाने से, बहुत बहुत शुक्रिया, श्रृंगार थमाने से पहले उनको किताब थमाओ। और अपनी कविता की अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ कि उनकी गलतियों को अपराध मत कहो, उनकी गलतियों को अपराध मत कहो, सिर्फ गलतियां रहने दो, लड़कियों को देवी मत बनाओ, बस लड़कियां रहने। बहुत बहुत शुक्रिया।